भारत पाकिस्तान मैच पर राजीव शुक्ला की दलील क्या है ये आपको बता दें। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला और वो ये कह रहे हैं कि आईसीसी के नियमों से हम बंधे हुए हैं, हम आईसीसी टूर्नामेंट में खेलने से मना नहीं कर सकते। देश में पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करने की उठी मांग के साथ नहीं है राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का ये ताजा बयान सुनिए। आतंकवादी संगठनों को ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जहां तक मैच का सवाल, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं आईसीसी के, पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। सभी वो इंटरनेशनल कमिटमेंट जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उस पर आपको खेलना पड़ता है। तो हरपाल सिंह बेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेदी साहब, बीसीसीआई की तरफ से ये जो दलील दी गई है, राजीव शुक्ला जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आईसीसी के नियमों से हम बंधे हुए हैं, क्या ये दलील वाजिब नजर आती है आपको? नहीं, दलील तो सही है, आप क्या गवर्नमेंट को करना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुताबिक कोई भी कंट्री एक दूसरे से खेलने से इनकार नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री। करे उसमें ईरान कहता है हम इसराइल से नहीं खेलेंगे, ईरान गवर्नमेंट करती है, ईरान की रेसलिंग फेडरेशन नहीं करती, ईरान की कराटे जो कराटे और जूडो की जो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है वो नहीं करती। गवर्नमेंट ऑफ ईरान हैज डिसाइडेड दैट दे विल हैव नो रिलेशनशिप विद इजराइल, सिंपल। तो वो करते हैं। अब आपने बीसीसीआई या इसको दिया, ये क्या करें? जब मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले बताया कि अगर गवर्नमेंट उनके स्पीकर को बुला रही है और आप इधर से कह रहे हैं बीसीसीआई को, जो स्पीकर इलीगल है, ये तो कम से कम लीगल टूर्नामेंट है और वो तो स्पीकर को पाकिस्तानी नहीं मानते, उसके सारे पीछे पड़े कि ये सारी फ्रॉड है, असेंबली ये 2018 का जो मैंडेट है चुराया गया है। ठीक है, ठीक है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सागर साहब, फिर सवाल वही घूम फिर कर आ जाता है, कड़ा मैसेज जिसकी बात हो रही है वो क्या फिर से स्ट्राइक करनी होगी तभी सुधरेगा, तभी समझेगा पाकिस्तान, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मैं देश के साथ हूँ। स्ट्राइक करना है, बहुत जरूरी है। ये हकीकत है कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3000 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हैं, हमारी सेना वहां काम कर रही है, रजौरी पुंछ में एक्टिव ऑपरेशन चल रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां बैठे हुए हैं, श्रीनगर के अंदर वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी बदली है और इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। इसका मतलब है स्ट्राइक करनी है और हालत में करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु ऐसा है कि हम भारत इस वक्त एक वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं, एक विश्व में एक अपनी इमेज बना रहे हैं, तो इस वक्त हमें अगर स्ट्राइक करनी है बालाकोट या उड़ी की तरफ से, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। पर जब तक वो नहीं होता है, अब ये बीच में 24 तारीख का क्रिकेट आ गया है, अब इस क्रिकेट को आप पॉलिटिसाइज करिए, रिटोरिक करिए, जो मर्जी करिए, परंतु मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। क्रिकेट जो पाकिस्तान के साथ है वो 2 लेवल्स पे खेला जाता है। एक बायलैटरल क्रिकेट होता है जो आईसीसी की गाइडलाइंस होता है, वो हमने ऑलरेडी बंद किया हुआ है। इससे पाकिस्तान बोर्ड को ऑलमोस्ट वो दिवालिया हो चुका है और भारत को देख करके बहुत सारे बाकी कंट्रीज भी नहीं खेल रहे साथ। पर जहां तक के आईसीसी के वर्ल्ड कप का सवाल है या T20 का सवाल है या ODI का सवाल है या टेस्ट क्रिकेट का सवाल है वर्ल्ड कप का, तो वहां पे हम बंधे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं, राजीव शुक्ला जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आईसीसी के नियमों से हम बंधे हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।